फिर एक कहानी लाया हूँ। चार दोस्त यूपी से होते हैं, सोचते हैं कि अपने सपने पूरे करने के लिए उन्हें मुंबई जाना चाहिए। और कुछ सोच कर वो डिसाइड करते हैं कि कल सुबह हम मुंबई के लिए निकलेंगे। चारों दोस्त अगले दिन सुबह स्टेशन पर मिलते हैं। जब स्टेशन पर होते हैं तो उनमें से एक दोस्त हिम्मत नहीं कर पाता। सोचता है कि वहाँ जाकर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, खर्चे कैसे संभलेंगे, ये सब सोचकर वो ट्रेन ही नहीं पकड़ता। अब जो बाकी तीन होते हैं वो ट्रेन पकड़ लेते हैं। कुछ दूर जाकर ट्रेन कहीं पर रुक जाती है। वहाँ पर उनमें से एक दोस्त कुछ लेने के लिए उतर जाता है और किसी तरह उसकी ट्रेन छूट जाती है। और बाकी बचे दो इस पर निराश होते हैं, पर किसी तरह वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जब कुछ दूर बढ़ जाते हैं तो उनमें से एक दोस्त सोचता रहता है कि अब कैसे होगा, अब तो हम दोनों ही बचे हैं, पहले तो हम चार थे, अब कैसे होगा। और कुछ सोचकर वो दूसरे को मनाता रहता है कि चलो हम भी वापस चलते हैं। पर जो दूसरा होता है वो नहीं मानता, और जैसे अगला स्टेशन आता है वो उतर जाता है। और जो ट्रेन में बचा रहता है वो किसी तरह मुंबई पहुंच जाता है। और जब वो पहुंच जाता है तो अपने सपने पूरे करने लग जाते हैं। अब इस कहानी के पीछे एक सीख है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे कि वो चार दोस्त हैं, उनमें से जो पहला दोस्त है जिसने ट्रेन पकड़ी ही ना, उसकी तरह आप भी ट्रेन अगर पकड़ो ही ना तो जहाँ हो वहीं पर रह जाओगे। और अगर ट्रेन पकड़ लो तो हो सकता है कि वहाँ तक ना पहुँचो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा आगे तो बढ़ ही जाओगे, एटलीस्ट कहीं तो भी पहुँच ही जाओगे। और अगर आपने फिर से ट्राई किया और आपका फोकस उस बंदे की तरह रहा जो मुंबई पहुँच गया है, तो आप बेशक वहाँ पहुँच ही जाओगे जहाँ पर आपको पहुँचना है। बस अपना फोकस ना खोए और ट्राई करते रहे।